हेलो एवरीवन, आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना अपना पहला व्लॉग किचन से शुरू किया जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं किचन में ही हूँ। तो आज जो एक हिमाचल के एक ट्रेडिशनल फूड होता है, आज हम वो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सिड्डू। तो चलो मैं आपको बताती हूँ सिड्डू कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमारे सिड्डू के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आटा है, इसको हमने गूंदा है और गूंदते वक्त हमने इसमें यीस्ट डाला था ताकि ये फूल सके। जितना अच्छा फूलेगा हमारा आटा उतना अच्छा ही सिड्डू बनेंगे। और ये है हमारा नमकीन स्टफिंग जो कि आलू वाली है, और ये होगी मीठी स्टफिंग गुड़ वाली। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमने स्टीमर रख दिया है गैस पे पहले से ऑलरेडी, और इसमें जो पानी है बहुत ज़्यादा स्टीम आ गई है इसमें। तो अब हम अपने जो सिड्डू हैं उसमें आलू की स्टफिंग और शक्कर की स्टफिंग डाली, ये स्टफिंग करना शुरू कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीठे सिड्डू की स्टफिंग हो रही है और यहाँ पे हम नमकीन सिड्डू की स्टफिंग कर रहे हैं। ये हम नमकीन स्टफिंग कर रहे हैं आलू वाली। अगर आप देखना चाहते हो स्टफिंग कौन कर रहा है तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है जो कि बहुत शर्मा रही है अपने आप को दिखाने से, वो बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है, बट फिर भी मैंने उसको दिखा दिया चुपके से। स्टफिंग कर रहे हैं उस वक्त हमें ऑयल लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो हाथ में ना चिपके। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे करना है ताकि हमारा आटा हाथ में ना चिपके। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये देखिए स्टफिंग हो रही है, ऑयल के साथ स्टफिंग करनी है ताकि जो आटा है वो हाथ में ना चिपके हमारा। अब हमें अपने स्टीमर में ऑयल लगा देना है ताकि हमारे जो सिड्डू हैं वो इसमें चिपके ना, और हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम रखने जा रहे हैं सिड्डू। ये आए हमारे नमकीन सिड्डू, आलू की स्टफिंग वाले सिड्डू। इसमें हमने आलू की स्टफिंग कर रखी है, ये आलू वाले सिड्डू हम रख रहे हैं। और हमारा यहाँ पे स्टीमर में पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने इस वाले पोर्शन को, ये हमने रख लिया, और ढक्कन बंद कर देंगे। नीचे वाले में हमने नमकीन सिड्डू रखे हैं, अब ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे हम मीठे वाले सिड्डू रखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि सिड्डू चिपके ना। ये ऑयल लग गया, अब हमारे जो मीठे वाले सिड्डू की स्टफिंग है वो जाएगी स्टीमर के अंदर। हम रख रहे हैं मीठे वाले सिड्डू। जो हमारे मीठे वाले सिड्डू हैं वो जल्दी पक जाएंगे इसलिए हमने इनको ऊपर रख दिया है, और जो नमकीन वाले थे वो नीचे हैं। अब इसको क्लोज कर लेंगे और अब वेट करेंगे इनके पकने का, और जब ये पक जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने यमी हमारे सिड्डू बने हैं। हमारे ये सिड्डू हो गए बनके रेडी और हम इनको खाएंगे देसी घी के साथ। तो आइए आप भी खाइए हमारे साथ सिड्डू। यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।